नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली एडमिट कार्ड राजस्थान BSTC के जारी हो चुके हैं। अब एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, चलिए वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर में या फिर क्रोम में चले जाना है। आपको सर्च करना है प्री DLED BMOU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर आप प्री DLED सर्च कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों वर्धमान महावीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, साइट आपकी इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको दोस्तों प्री DLED 2024 की लिंक देखने को मिल जाती है, तो चलिए इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान है। इसके बाद दोस्तों कुछ वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आपको टिक कर देना है जो वेरीफाई आर यू ह्यूमन, तो इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये दे सकते हैं, और फाइनली आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। ये दे सकते हैं, एडमिट कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एडमिट कार्ड की लिंक ओपन हो गई है। दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पर आपको दिनांक डालनी है, यहाँ पर मंथ डालना है, यहाँ पर ईयर। तो चलिए मैं एक बार डाल देता हूँ, इसके बाद सबमिट कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने डिटेल डाल दी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आवश्यक जानकारी है वो भी पढ़ लेनी है कि आपको परीक्षा केंद्र पर देखिए 11 बजे से 12 बजे तक एंट्री होगी दोस्तों, और 12:30 से पेपर शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको आधे घंटे पहले ही एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो ये सभी आपको दोस्तों चीज़ पढ़ लेनी है। आपको क्या क्या साथ में ले जाना है मैंने आपको बता दिया है। आपको अपना ID प्रूफ ले जाना है, जैसे कि अपना दोस्तों आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या आप कोई भी जिसमें फ़ोटो होना चाहिए वो ID ले जानी है, फोटो कॉपी नहीं ले जानी, ओरिजिनल ले जानी है। इसके बाद प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करोगे दोस्तों तो उसके बाद इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन करके दिखाया है दोस्तों। तो इस प्रकार से सिंपली आप कोई भी एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड दोस्तों बोर्ड की तरफ से जारी हो चुके हैं। जो भी सेंटर हैं वो सेंटर का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कौन से सेंटर में आपका परीक्षा होने वाली है दोस्तों, कितने बजे होगी। टाइमिंग तो 12:30 बजे से 3:30 बजे की टाइमिंग है। इस बार टाइमिंग में बदलाव किया गया है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि टाइमिंग क्या रहेगी। तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके फ़ोटो युक्त एडमिट कार्ड हैं और रोल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों तैयार रहें, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया है, आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाया है मैंने। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।